जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र में तैनात लेखपाल पर एक पूर्व फौजी ने 20 लाख लेकर फर्जी बैनामा कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। फौजी अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ हाथों में बैनर लेकर कलेक्टर पहुंचा, जहां उसने लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में एक पूर्व फौजी ने लेखपाल पर कार्यवाही न होने पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। हालांकि फौजी के साथ पहुंचे ग्रामीण और परिजनों ने लेखपाल के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर पर जमकर हंगामा काटा। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के करहल तहसील क्षेत्र के बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव सैयद मदामई से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता और उसके साथ उसका परिवार और उसके साथ कई दर्जनों ग्रामीण लेखपाल की शिकायत करने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 3 महीने पूर्व करहल तहसील में तैनात लेखपाल अनिल राजपूत ने एक जमीन का कई जगह बैनामा कर दिया गया है, जिस मामले में लेखपाल द्वारा लगभग 20 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। शिकायतकर्ता को लेखपाल रहा धमका। जब शिकायतकर्ता को ये मालूम पड़ा कि जमीन का बैनामा पहले किसी को और को हो चुका है, तो उसने लेखपाल से मामले की शिकायत की। उसके बाद लेखपाल ने शिकायतकर्ता को धमकी दिया और कहा, तुमको जो करना है वह कर सकते हो। तब से लेकर आज तक शिकायतकर्ता लगभग 3 महीने से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन मामले में दोषी लेखपाल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने लेखपाल द्वारा 20 लाख रुपए की कराई गई ठगी को वापस दिलाए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह 11 बार एसडीएम के पास जा चुका है और 2 बार डीएम के पास जा चुका है, लेकिन अधिकारी मामले पर लीपापोती करके कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सर, बरनाल विकासखंड के ग्रामीणों ने लेखपाल पर एक आरोप लगाया है कि फर्जी जमीन का बैनामा करा के 20 लाख रुपए की ठगी कर ली है, क्या पूरा मामला था? अभी देखिए, कुछ ग्रामवासी आए थे जो इस लेखपाल के विषय में आरोप लगा रहे थे फर्जी बैनामे को लेकर के। मैंने एसडीएम करहल को इस विषय में तत्काल बात किया है और इसमें हम लोगों ने जांच के आदेश किए हैं। इसमें 2 से 3 दिनों के अंदर ही सारे तथ्य प्रकाश में आएंगे और इसके विरुद्ध जैसा जाँच की रिपोर्ट आएगी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ितों का आरोप है कि आपसे कई बार मुलाकात की है, 3 बार मुलाकात कर चुके, उसके बाद भी नहीं। साधना कुमारी जी, आज काफी लोग आए हैं परिवार के साथ, आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर? समस्या सर यही है कि हम अनिल कुमार राजपूत ने हमारे से ठगी की है 20 लाख रुपए की, हमको फर्जी बैनामा कराया है। हम लोगों ने अपना जेवर गहना सब बेच बाच के कर्ज लेके हमने अपना बैनामा करवाया था, उसने मेरे साथ इतना धोखाधड़ी की है, हमारे साथ फर्जी बैनामा किया है 20 लाख रुपए लेके, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीएम के ऑफिस में भी 2 बार 3 बार जा चुके हैं, यहाँ भी 10-11 बार आ गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ से बोलते हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ वाले बोलते हैं यहाँ चले जाओ, हम सर कहाँ जाए, मुझे न्याय चाहिए। एसडीएम आज यहाँ भी आए हैं और काफी लोग आए हैं, बैनर भी लेके आए कि 20 लाख रुपए ठगी हुई है जी सर। तो लेखपाल पर कोई कानूनी कार्रवाई, कोई FIR अभी तक कुछ हो पाया या नहीं हो पाया? कुछ नहीं, हमने तो सर ऑफिस में कानूनी कार्रवाई कहाँ से करें सर, जब ये लोग आगे कदम बढ़ाए तो हम करें, हमें क्या इतनी जब जब जो अधिकारी लोग हैं वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारा कौन सहयोग करेगा। डीएम कार्यालय आयो, आमरण संघ का बोर्ड लेके आयो, काफी लोग हैं आपके साथ, क्या कारण है? ये कारण है सर, 15/2/2024 को अनिल कुमार राजपूत नामक लेखपाल ने फर्जी बैनामा कराया, उसमें 19,25,000 रुपए रजिस्ट्री प्रांगण कार्यालय में प्राप्त किए और 75,000 रुपए फोन पे पर डलवाए, और वो बाद में जब कराने गए तहसील में आए म्यूटेशन कराने के लिए तो फर्जी निकल गया। तो हमारे कहने का मतलब है लेखपाल से मिले कि जमीन हमको मिली नहीं और वो हमारा पैसा वापस किया जाए। पैसा आपने किसको दिया था? पैसा लेखपाल को दिया था। जमीन किसकी थी? जमीन उस गांव के मधु और पूजा नामक दो लड़कियां थी, उनकी थी। तो लेखपाल को पैसा आपने क्यों दिया? लेखपाल ही उसका मालिक बना था, उसने हमारे साथ बातचीत की थी, उन लड़कियों को हम नहीं जानते थे, लेखपाल ने हमारे साथ बातचीत की, हम जमीन खरीदवाएंगे, हम उसका सौदा करेंगे, और लेखपाल ने ही लड़कियों को अपने फोन से बुलाया, उनके कहने पर लड़कियां आई, उन्हीं कहने पर लड़कियों ने साइन किए और पूरा पैसा हमारे 6 आदमी गवाहों के सामने लेखपाल ने लिया। क्या नाम है लेखपाल का? अनिल कुमार राजपूत। कहाँ तैनात है ये? ये सैयदपुर प्रांत ग्राउंड में तैनात है। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए, हमको जमीन नहीं मिलेगी क्योंकि जमीन पहले ही बिक चुकी थी, वो फर्जी निकल गई, तो जो जिसने सबसे पहले बैनामा हुआ था उसको जमीन मिलेगी, हमको जमीन नहीं मिल सकती, हमारा पैसा मिलना चाहिए। इससे पहले भी आप यहाँ आए हो? गया मैं तो 2 बार यहाँ आ चुका हूँ। क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला, लेटर में डीएम साहब से मिला था और लेटर को फॉरवर्ड कर देते हैं कि तहसील में जाओ, तहसील में गए मैं 15 बार, तहसील एसडीएम साहब से जाके मिला, एसडीएम साहब का जितना इंक्वायरी चल रही है, नायब साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर बोला कि तहसीलदार साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, तो कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा है, सब मिले हुए हैं, लेखपाल को बचाया जा रहा है, लेखपाल को सरेआम घूम रहा है, नौकरी कर रहा है, पीड़ित परिवार परेशान है, इसके 22 लाख रुपए 25-20 लाख रुपए चले गए, उसकी कोई सुन नहीं रहा है।
अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं लेखपाल के साथ खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमको न्याय दिलाया जाए, हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पैसा न मिलने पर क्या करेंगे? पैसा नहीं मिलने पर हम भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे।